जिसमें टेलीस्कोप है, ठीक है। तो टेलीस्कोप का यूज क्या है? इट इज यूज्ड, ओके, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स की अगर अपन बात करें तो टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो रिफ्रैक्टिंग टाइप भी होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ओके। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें जो यूज होता है किसका होता है? लेंस का, ठीक है। देन रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होंगे उसमें मिरर्स का यूज होता है, ओके। और इसके अलावा टेलीस्कोप्स बोले, टेलीस्कोप मेन अपन एग्जांपल्स देखें तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप्स होते हैं इनका क्या है? टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को क्या यूज है? टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और एस्ट्रोनॉमिकल के अलावा टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप्स होते हैं, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का क्या यूज है? दीज टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप्स आर यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ओके। सो व्हाट इज अ टेलीस्कोप? टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे हो सकते हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप हो सकते हैं ये, और रिफ्लेक्टिंग टाइप हो सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स जो होते हैं उसमें लेंस का यूज़ किया जाता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें मिरर्स का यूज़ किया जाता है। और टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स की बात करें तो दो टाइप हैं अपने पास, मतलब एग्जाम्पल्स की बात करें अगर टेलीस्कोप के, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं और टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें से जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। अब आप जानते ही हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्या काम आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं इसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है। दो लेंस होंगे, जो फर्स्ट वाला लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वाला जो लेंस होगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये जो होता है ये होता है लार्जर एपरेचर का, यहाँ पर जो ये लेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका एपरेचर क्या होता है? लार्जर, यानी इसका लार्जर एपरेचर का लेंस होता है, ठीक है। और कहाँ होगा ये? टूवर्ड्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ जो फेस किया होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस फेस किया होगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये कैसा होता है? लार्जर एपरेचर का होता है। जो सेकंड वाला जो लेंस है उसको बोलते हैं अपन आई पीस, ठीक है। सेकंड वाला जो लेंस है उसको बोलते हैं आई पीस। तो आई पीस जो होता है इसका जो एपरेचर है ये कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस ये होता है स्मॉलर एपरेचर का, स्मॉलर एपरेचर, ठीक है। और ये कैसा होगा? ये किस तरफ फेस होगा? टूवर्ड्स द आई, टूवर्ड्स द आई, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका पर्पस क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, पहली बात। और इसमें क्या होते हैं? दो लेंस होते हैं, और दो लेंस कैसे होंगे? इट हैज टू कन्वर्जिंग, इट हैज टू कन्वर्जिंग लेंस,
दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को बोलते हैं आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लार्जर एपरेचर का होता है और इट फेस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ फेस होता है इसका, जिसको भी आप विजुलाइज कर रहे हो देखना चाहते हो। और आईपीस जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर एपरेचर का होगा, इट इट फेस टूवर्ड्स द आई, आई की तरफ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इससे जब आप ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अपन विजुलाइज करेंगे बाय यूजिंग द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे उसके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने यहाँ पर देखा ही है, दो लेंसेज हैं इसके पास, दो कन्वर्जिंग लेंस है। पहला है ऑब्जेक्टिव और उसका एपरेचर क्या है, लार्जर एपरेचर। तो पहले अपन लेंस बना लेते हैं। सो लेट्स टेक दिस फर्स्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बनाएंगे हम लार्जर एपरेचर का। तो लार्जर एपरेचर का कुछ ये बनाया हमने लेंस। ठीक है, सो दिस इज अ लेंस, नाउ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लेट्स डिनोट दिस पॉइंट एज, ये वाला जो पॉइंट है जिसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको अपन ओ से डिनोट कर देते हैं, ये ओ से डिनोट कर दिया। ठीक है, देन दिस इज अ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दिस इज ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज इट्स फेस टूवर्ड्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्या करेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रे आएंगी, वो रे कैसे आती है पता है आपको, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रे आएंगी वो कैसी आएगी, पैरेलल एक एक आएगी। दूसरे के पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो एक रे तो अपन ये ले लेते हैं। ठीक यस है, एक रे तो जैसे अपन ने ये ले, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से पास कर। ठीक है, सो दिस इज अ रे विच इज कमिंग फ्रॉम द, विच इज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द रे विच इज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो दूसरी जो सेकेंड रे आएगी, डेट रे विल कम पैरेलल टू दिस, जो रे आएगी वो कैसे आएगी, इसके पैरेलल आएगी। इसके पैरेलल रे बनाते हैं अपन, देखो आप। सो ये रे आई आपके इधर आ। ठीक है, नाउ दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द रेज, रेज कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो एक रे तो आपने पास कर दी ऐसा, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई इस तरीके से। ठीक है, सेकंड जो ये रे है ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, अब इसको रिफ्रैक्ट कर देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बनाते हैं इसकी। तो रिफ्रैक्टेड रे आपने बनाई, मान लो ये रिफ्रैक्ट हुई इस तरीके से और ये आके यहाँ पर कहीं ये इंटरसेक्ट कर। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट होगी, जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, तो ये इंटरसेक्ट हुई तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, आपकी पहली फर्स्ट इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इमेज क्रिएट हो गई, ये फर्स्ट इमेज बनेगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, या ये फर्स्ट इमेज आपने क्रिएट करी यहाँ पर। ठीक है, और इसको अपन कर देते हैं ए वन एंड बी वन। हाँ ठीक है, ए वन बी वन, ये इमेज क्रिएट हो गई यहाँ पर। अच्छा, ये रेज जो आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूँ, आप ये देखो ओ से लेके इस ए वन बी वन तक, अगर ये डिस्टेंस अपन लिखना चाहें, ये सिर्फ एक फोकल और बार लेंथ समझा है। दो। हाँ, हाँ आएगी ना। तो ये क्या, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड ना, बस ये लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, फोकल लेंथ आ जाएगी किसकी, ऑब्जेक्टिव की। ये क्या आ जाएगी बेटा, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आ जाएगी। समझ में आया आपको, यहाँ तक रिपीट करते हैं एक बार। ठीक है, ये सर आ गया। अगर विजुअल एंगल लिखे यहाँ पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर विजुअल एंगल लिखे, तो विजुअल एंगल यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ अल्फा, तो ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी अल्फा ही होगा, है कि नहीं। सो दिस इज द विजुअल एंगल फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल कितना आ गया, अल्फा। विजुअल एंगल अपन ने पढ़ा था, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ये देखो आप, नो डाउट सर। है ना, ये स्टार्टिंग में अपन पढ़ के आए हैं, तो ये विजुअल एंगल बन गया। ठीक है, ये विजुअल एंगल किसके लिए बनाया, अपने ऑब्जेक्ट के लिए, और साथ ही ये इमेज के लिए भी, दोनों अल्फा अल्फा होंगे। अब क्या होगा, अब अपन बनाते हैं अपना सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला लेंस। तो सेकंड वाला जो लेंस है वो बनेगा अपना आईपीस।
ठीक है। अब ये जो आईपीस होगा ये कैसा बनेगा, स्मॉलर आईपीस जो अपना बनेगा, आईपीस बनेगा स्मॉलर एपरेचर का, ठीक है। तो स्मॉलर एपरेचर का आईपीस बनाते हैं, देखो आप ये बनाया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आईपीस, इसको क्या बोलेंगे अपन आईपीस, ठीक है। अब इस पर रे इंसिडेंट करते हैं, तो एक रे तो सीधी इंसिडेंट कर देते हैं, ये इंसिडेंट करिए आप, ठीक है। तो ये रे जो आ रही है वो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट होके किससे पास होगी बोलो, रिफ्लेक्ट होके किससे पास होगी, रिफ्रैक्ट होके, सॉरी रिफ्रैक्शन होगा या तो लेंस है, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, फोकस से पास होगी। हाँ, किसका फोकस होगा, ये आईपीस का फोकस होगा, आईपीस के लिए ना, तो आईपीस का फोकस होगा, ठीक है। दूसरा अपन पास कर देते हैं, ये जो पॉइंट है पी अपन ने कहीं नहीं लिया, इसको पी लिख देते हैं, ठीक है। तो पी जो है ऑप्टिकल सेंटर हो गया, किसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ से रे अपन सीधी निकाल देते हैं, ये रे आपने सीधी निकाल दी, ठीक है, ये रे इस तरह से सीधी निकाल दी। तो ये दो रेज हो गई, आगे जाके तो मिलेगी नहीं, अपन इनको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। तो देखो बैकवर्ड ट्रेस करा इस तरह से, ये बैकवर्ड ट्रेस करा, इसको भी बैकवर्ड ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आके यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट होगी, तो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर क्या बनेगी, अपनी फाइनल इमेज बन जाएगी। तो ये फाइनल इमेज बन गई आपकी, ठीक है। और ये जो फाइनल इमेज बनी है इसको अपन कर देते हैं ए टू डैश, ये कर देते हैं ए टू डैश, और ये जो पॉइंट आया है इसको कर देते हैं अपन बी टू डैश, ठीक है। अब अगर यहाँ पर विजुअल एंगल निकाला जाए तो ये एंगल जो है ये वाला एंगल, ठीक है, इसको अपन कर देते हैं बीटा, और ऐसे ही ये एंगल भी कितना आ जाएगा बीटा, और यहाँ पर आपकी आ जाएगी आई, ये आई आ, ठीक है। और फाइनल इमेज आपके पास आ गई ए टू डैश बी टू डैश, ठीक है। सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ये आपका क्या बन जाएगा, रे डायग्राम बन जाएगा। बस इसके आगे तो अब इसके मैग्निफिकेशन निकालना है हमें, तो वो सॉल्यूशन हम कर ही देंगे, हम ये आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको, ये होता है एम मीन्स मैग्नीफाइंग, टी मतलब टेलीस्कोप, ठीक है। इट इज इक्वल टू विजुअल एंगल, विजुअल एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय, ठीक है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, ये फॉर्मूला है, ठीक है। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइड बाय विजुअल एंगल, विजुअल एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन, व्हेन इट इज एट एक्चुअल पोजीशन, व्हेन इट इज एट एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसका, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो हमारा जो डायग्राम आप देखो यहाँ पर, अपने डायग्राम से जो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज कौन सी, ए टू बी टू डैश, तो ये ए टू बी टू डैश कितना एंगल सबटेंड कर रही है बताओ, कितना एंगल आएगा यहाँ पे, फटाफट जल्दी से बता दो। हाँ, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, अल्फा, अरे फाइनल इमेज कहाँ है, ये रही फाइनल इमेज ए टू बी टू, ये यस कितना सर, बना रही है, बीटा बना रही है बीटा ना, है ना सर। हाँ, तो बीटा आएगा, और नीचे कितना आएगा ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल में ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो एक्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट की तो इन्फिनिटी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी, तो ये एंगल कितना जाएगा अल्फा, एंगल लिखना है, तो ये एंगल कितना है, विजुअल एंगल अल्फा है, और यहाँ पर विजुअल एंगल क्या है बीटा,
तो मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप अपने इस डायग्राम के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी हो जाएगी, बीटा डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, इसी को अगर इसी को अपन आगे लेके चलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करते हैं। देखो आप, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, सो इट इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय अल्फा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई टेन बीटा डिवाइड बाय टेन अल्फा। ठीक है, अब देखो कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल देखते हैं अपन यहाँ से। देखो आप, जैसे मुझे अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए जो ट्राइंगल मेरे पास आ रहा है वो क्या रहा है, ओ बी वन ए वन, ओ बी वन ए वन। ठीक है, तो एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ओ बी वन ए वन। तो इस ओ बी वन ए वन में अगर मैं टेन अल्फा निकालूं, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए वन बी वन। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, ओ बी वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वन बी वन डिवाइड बाय ओ बी वन। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि जो ओ बी वन है, ओ बी वन क्या है, ओ बी वन तो फोकल लेंथ है। देखो ओ से लेके बी वन तक की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की। तो ये आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो टेन अल्फा जो आएगा आपके पास, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू ए वन बी वन डिवाइड बाय एफ ओ। ठीक है, तो कोई इक्वेशन तो अपन ने दी नहीं है अभी तक, इसको एक इक्वेशन कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया टेन अल्फा। ठीक है, ऐसे एक और ट्राइंगल ले लो। देखो इन ट्राइंगल, अब यहाँ एक और ट्राइंगल देखते हैं अपन। तो ये ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा बी वन पी ए वन। ठीक है, ये ले लेते हैं बी वन पी ए वन। तो इन ट्राइंगल बी वन पी ए वन, ठीक है, इसमें आप निकालो टेन बीटा। तो टेन बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए वन बी वन। ठीक है, ए वन बी वन आ जाएगा एंड डिवाइड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस करना है आपको। तो परपेंडिकुलर तो ये आ गया, बेस कितना आएगा इसका, पी बी वन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, पी बी वन। तो इसको कर दो पी बी वन, ये आपके पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, पी बी वन आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें। अच्छा एक बात आप यह नोटिस करो कि ये जो आईपीस है, इस आईपीस के लिए ये क्या है, एक इस आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट है ना, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यस सर, ये लिख सकता हूँ ना मैं, यू ई का मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो पी बी वन आ रहा है यहाँ पर, ये इक्वेशन अपन एक इक्वेशन इसको एक आगे लिख देंगे कि यहाँ पर जो पी बी वन है वो कितना है। तो पी बी वन अगर साइन कन्वेंशन के साथ अगर लिखें अपन, तो पी बी वन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ यू ई आ जाएगा। ठीक है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए वन बी वन और डिवाइड बाय माइनस यू ई, ये आ जाएगा आपके पास थर्ड इक्वेशन। नाउ अब ये सारी वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन से देखो आप फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का, टेन बीटा, टेन बीटा है ए वन बी वन डिवाइड बाय माइनस यू ई। ठीक है, और टेन अल्फा, तो टेन अल्फा आ गया आपके पास ए वन बी वन, देन यहाँ पर आ जाएगा एफ नोट, इससे इसको कैंसिल करो। तो जो मैग्निफिकेशन आ जाएगी आपके पास वो आएगी माइनस एफ नोट डिवाइड बाय। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपके पास बना, एफ नोट मतलब ऑब्जेक्टिव, यस ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ, और यू ई मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, इसको फोर्थ इक्वेशन कर देंगे। अब यहाँ से दो केस बनेंगे इसमें। ठीक है, तो दो केस क्या बनेंगे, एक तो केस वन बनेगा, तो केस वन बना लेते हैं अपन कि आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। केस वन है कि आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। तो अगर जो आई है, आई अगर नियर पॉइंट पे फोकस्ड है, तो मुझे ये बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इमेज कहाँ बनेगी, इफ आई इज, सर इफ आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, नियर पॉइंट पे बनेगी ना, 25 सेंटीमीटर पे। नियर हाँ पॉइंट पे, कल सिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या सर, लिख आपने देंगे अपन, सिखाया था। है ना, यस सर, ये माइनस डी आ जाएगा। अच्छा यू कितना लूंगा मैं,
यू इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर. अरे भाई 25 सेंटीमीटर. अरे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट तो यू ई पे रखा है, माइनस यू ई. माइनस यू ई आ जाएगा. ठीक है. अच्छा इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? फोकल लेंथ कितना आएगी? प्लस का एफ ई, क्योंकि जो प्लस क्योंकि जो आपका लेंस है वो तो कॉन्वेक्स एम. लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है. तो यहाँ से क्या करना है, अपन को यू ई निकालना है, और यू ई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है. तो अगर आई जो है वो नियर पॉइंट पे फोकस होगी, फोकस्ड ऑन नियर पॉइंट, तो आपके टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए? और अगर आई इन्फिनिटी पे फोकस्ड है तो टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये अपन को फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो देखो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, वन अपॉन एफ इजिकल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है. तो यहाँ से वन अपॉन यू अगर अपन निकालें तो वन अपॉन यू इजिकल टू क्या जाएगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ हो जाएगा. वन अपॉन वी का मतलब क्या है? माइनस डी. ठीक है. एंड माइनस वन अपॉन ये आ जाएगा एफ ई. ठीक है, आ गया यहाँ तक, है ना? ये वैल्यू रख देते हैं. अब यू यू की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू ई, और माइनस कॉमन ले लो यहाँ से तो ये आएगा वन अपॉन डी, है ना? और प्लस वन अपॉन एफ ई आ जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो. तो वन अपॉन यू ई जो है, वन अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? वन बाय डी प्लस वन बाय एफ ई. आया समझ में? अब ये वैल्यू आप रख दो इक्वेशन नंबर 4 में. किसमें रख दो कि आप? इक्वेशन नंबर 4 में. तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इजिकल टू माइनस एफ जीरो का आप बाहर निकाल लो, अंदर आपके पास बचेगा वन बाय डी प्लस वन बाय एफ ई. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला. आप चाहो तो इसको अपन और कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. क्या करें, एफ ई को बाहर निकाल लूँ अगर इसमें मैं, तो एम टी इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय एफ ई. मान लो एफ ई को बाहर ले लें अपन, तो कितना बचेगा यहाँ पे, वन प्लस एफ ई डिवाइड बाय डी. ये फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा आपको. सर कैसे आया माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी? एक सेकेंड, इसको नंबर कितना कर दे अपन, फिफ्थ इक्वेशन कर देते हैं. ठीक है, एम टी इक्वल्स टू माइनस माइनस एफ ओ इनटू एफ ई प्लस डी. आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी. तो आई अगर इन्फिनिटी पे फोकस्ड है तो आप ये ध्यान रखना अपन किस लेंस की बात कर रहे हैं. अपन बात कर रहे हैं इस आई पीस की, इस आई पीस की बात कर रहे हैं कि इफ आई इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी तो इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? ए वन बी वन है. तो आप में से कोई भी मुझे बता दो, बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि अगर इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ये रखा कहाँ होगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा फोकस पे होगा? रखा हुआ होगा, फोकस फोकस पे रखा फोकस. होगा. यानी कि जो ये यू फोकस या ये यू ई है वो किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? यस सर. आ यस गया. क्लियर है ना? तो यहाँ तो यस आपको, सर. यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है. जो यू ई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एफ ई हो जाएगी. यू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ एफ ई. तो इसलिए आप जब मैग्निफिकेशन निकालोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एफ जीरो डिवाइड बाय एफ ई. एफ जीरो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ डिवाइड बाय आई पीस की फोकल लेंथ. तो ये आ जाएगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन. ठीक है, और इस केस में जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लिया जाता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है एल, मतलब है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. ठीक है, ये होता है एफ जीरो प्लस एफ ई. ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना यहाँ पर. इसमें एल जो होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. कई बार लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे देता है आपको वो, तो आपको यहाँ से एफ ओ या एफ ई जो भी एक नहीं दे रखा उसने वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप.